हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ननुआ की सब्ज़ी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें ननुए के ऊपर का लेयर चाकू की मदद से हटा लेना है। हमें ऐसे सभी ननुए का लेयर हटाना है। हमने सभी ननुए का लेयर हटा लिया है और हटाने के बाद हमने धुल लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। इसी तरह हमें ननुए को काट लेना है। हमने सभी ननुए को काट लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे। राई को हम चटकने देंगे। राई चटक गया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे। इसे थोड़ा सा लाल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भून लेंगे मीडियम आंच पे। मसाला भुन चुका है। मसाला तेल छोड़ दिया है। इसमें से खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब हम इसमें कटा हुआ ननुआ डाल देंगे और हम इसे चला लेंगे। और हम अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने से ननुआ पानी छोड़ेगा और हमें इसी ननुए के पानी में सब्जी को पकाना है। उसके बाद हम इसे चलाने के बाद 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। दस मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ननुआ कितना पानी छोड़ा है। इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके और पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि सब्जी कितनी अच्छी बनी है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। आप एक बार इस तरह सब्जी ज़रूर बनाइए, खाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ जाता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।